देखो दोस्तों, लोगों की सैटर्न निकल गई, ये सोच रहे जैसे हमारी सैटर्न। देखो दोस्तों निकल रही सुंदरकांड के लिए, लेकिन बहुत ही ज्यादा कीचड़ पे। ये प्रसाद की तैयारी हो रही है भाई, डालो इसके। इधर अक्सी कर रही है प्रैक्टिस, और सामने उसने फोन लगा रहा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। और ये है दूसरा दिन, यानी बारिश का दूसरा दिन। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कल बारिश हो गई थी शाम को, तो ये रात भर बारिश जो है होती रही, बेमौसम बारिश, और रात भर होती रही, और अभी भी मतलब लगातार बारिश चल रही है। और मैंने पूजा कर ली है, अनमोल को दुकान में बैठाया हुआ है, क्योंकि लाला जी जो है वो मंडी जा रहे हैं, और अक्सी अभी नाश्ता कर रही है, उसके बाद अक्सी चले जाएगी, फिर मैं भी चली जाऊँगी। ये देखिए सारी रात बारिश होती रही, और अभी भी बारिश मतलब हो ही रही है, बंद नहीं हुई है। इसके अलावा और कोई कपड़े हैं नहीं क्या? ये टी शर्ट चेंज कर, मैंने कुछ कहा? बाहर कहाँ जा रही है, वहां बारिश हो रही है, टी शर्ट चेंज कर जल्दी। इसके अलावा और कोई कपड़े नहीं क्या तेरे पास? तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ दुकान में, और आज हो गया मौसम ठंडा, तो स्वेटर तो उठा के रख दी थी, तो इसलिए मैंने सॉल ओढ़ रखा है, ठंडा हो गया है। अनमोल से गया है, और लाला जी जैसे मैंने बताया था मंडी जा रहे हैं, और बारिश अभी लगातार हो ही रही है। अभी तक जो है बारिश बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है, कल शाम से लगातार हो रही है, रात भर हो रही थी, और सारे में ना कीचड़ कीचड़ हो गया। देखो दोस्तों, एक बारिश में लोगों को ठंड लग गई है, फिर से स्वेटर निकल गई है। जिन लोगों ने अपनी स्वेटरें बंद कर दी थी, बाहर निकाल दी, वो जितनी जल्दी इन्होंने स्वेटरें बंद करी ना, उतनी जल्दी निकाल भी दिए। देख लो, अरे ऐसे 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 कांप रहे हैं ठंड से। अच्छा अब क्या देना है मुझे? वो है मूंगफली। हाँ है, अभी देती हूँ। तो दोस्तों, लोगों की स्वेटर निकल गई, ये सोच रहे जैसे हमारी स्वेटर निकल गई ना बक्सों से बाहर, अलमारियों से बाहर, ऐसी मूंगफलियाँ भी खेत से बाहर निकल जाए। मुझे लगा ये कच्ची वाली मूंगफली, इन्हीं वाली मूंगफली चाहिए। लेकिन इन्हीं वाली मूंगफली नहीं चाहिए, छिलके वाली मूंगफली चाहिए। अब बताओ इनके लिए मैं मूंगफली कहाँ से लाऊं? आ रही है बतियाती हुई, बारिश में भी चैन नहीं है, बारिश में भी कपोड़ी बने हुए हैं बिल्कुल, वही तो। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं जा रही हूँ सुंदरकांड में, और अक्सी अभी सो रही है, क्योंकि अगर वो जगी होती तो फिर वो भी साथ में चलती, तभी वो सो रही, तो मैं निकलती हूँ। निकल रही सुंदरकांड के लिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो रहा है, और देखो रास्ता भी ख़राब हो रहा है, जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, रोड पर तो चलना भी। ये देखिए सड़कों की हालत, पर ये है जाना भी ज़रूरी है, बस बड़ा संभल के चलना पड़ेगा, स्थिति बहुत ख़राब हो रही है रोड की। आवाज़ आ रही होगी आपको, सुंदरकांड शुरू हो गया है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ही जा रही हूँ, सिलेंडर वाले का वेट कर रही थी, और सिलेंडर वाला अभी तक भी नहीं आया। चलना इतना मुश्किल हो रहा है, इतना गंदा तो हो रहा है रास्ता, क्या करूँ। I'm not afraid of the dark.
बिकीनी बहुत बड़ाई तुम ममती है मृति संभाई सहस बदन तुमरे जस गाए कई तिरुपति कंठ लगावे तनकादिक ब्रह्मादिक नारद तारत ऐत आईसा कुबेर दिक बाल जाते कवि गोविंद कहे श्री कान तुम उपकार सुखवी कीनी राम राय राजपत दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश सब जग जाना I'm gonna get it.
प्रसाद की तैयारी हो रही है भाई, डालो इसमें सारी चीजें डालो। और ये बिमला जी प्रसाद बांट रही है, बिमला जी बिमला जी, और ये शोभा जी प्रसाद खा रही है। और देखो कितने सारे लोग प्रसाद बांट रहे हैं, और रेखा जी इंतजार में है प्रसाद के, कब मुझे प्रसाद मिले और कब मैं खाऊं। तुम प्रसाद बांट रहे हो खा रहे हो, प्रसाद खा रहे हो, पहले बांट लो ना तब खाना। मेरी प्रसाद की प्लेट और साथ में प्रसाद के साथ साथ ये ब्रेड पकौड़ा भी है। देखो दोस्तों हम नाश्ता चल रहा है, इन्होंने अपने आगे देखो पूरी नमकीन की प्लेट भरी हुई है, या चिप्स की। नाश्ते के साथ साथ गप्पे भी चल रही है। तो अब हम निकल गए हैं कीर्तन से, तो अब घर की तरफ जा रहे हैं। अंधेरा भी काफ़ी हो गया, कीचड़ भी बहुत है यहाँ पे, तो पहले ये रिस्की हो रहा है चलना कि कहीं गिर ना जाए, रिस्की हो गया। भाभी भी आ रही है, भाभी आ जाओ जल्दी, कीचड़ हो रहा है, जल्दी आओ इधर साइड साइड, इतना कीचड़ हो रहा है, कितना रिस्की हो रहा है ये यहाँ पे। देखिए दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं दुकान में, और मेरा वेट हो रहा था यहाँ पे, मेरे आते ही लाला जी चले गए हैं चाय पीने के लिए, और अब मैं दुकान में बैठ गई हूँ, मेरी ड्यूटी है दुकान पे, फिर घर जाके खाना बनाएंगे। ये जो आवाज़ होती है ना थोड़ा तेज़ होती है, तो उसकी वजह से ये ढोलक की आवाज़ दब जाती है और जो भजन है क्लियर नहीं सुनाई पड़ते। तो फ्रेंड्स दूर से आज जो मसूरी है बहुत ही साफ दिख रहा है इस वक्त, यानी मौसम साफ़ हो चुका है, सुबह बादलों ने घेरा हुआ था मसूरी को और इस वक्त बादल हट चुके हैं, और देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मेरे जो कैमरे की क्वालिटी कुछ खास नहीं है, इसलिए इतना अच्छा नहीं दिख रहा है मेरे फ़ोन से, और बाकी जो मैं जो देख रही हूँ साक्षात देख रही हूँ, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर कर दिया है। इसमें साफ तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जैसा भी है आप देख लो। ये इधर अक्सी कर रही है प्रैक्टिस, और सामने उसने फ़ोन लगा रखा है, तो ये ऐसी थोड़े बहुत डांस के स्टेप ऐसी फ़ोन में देख के सीख लेती है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स खाना बन चुका है, अब लाला जी का आने का वेट है, अनमोल अक्सी ने खा लिया है, अक्सी अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही है जैसे कि मैंने आपको भी दिखा। करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा आपको आज का मेरा ब्लॉग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और जैसे कि मैं रोज ही कहती हूँ और आज भी कहूँगी, जो मेरे चैनल में नए हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मेरे जैसे मुस्कुराते रहे। बाय बाय, गुड नाइट।